नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में अब कोरोना संकट पहले से कम हो गया है, लेकिन कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी अभी भी बनी हुई है। लोगों के कोशिश करने के बावजूद डोज नहीं मिल पा रही है। लोकल सर्कल्स ने इसी मुद्दे पर एक सर्वे किया है। नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर बैन करने के बाद भारतीय कू ऐप पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है। नए आईटी गाइडलाइंस को लेकर भारत सरकार भी ट्विटर से खासा नाराज है। उत्तराखंड में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान 13 पुलिसकर्मियों की कोविड के कारण मौत हो गई। पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां राज्य पुलिस मुख्यालय में कुछ पल का मौन रखा गया। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। शिखर धवन को पहली बार टीम इंडिया की अगुवाई करने का मौका मिला है। शिखर धवन ने कप्तान बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपने लिए बेहद ही सम्मान की बात बताया है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिन में ओडिशा, झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में मानसून 15 को पहुंच सकता है। पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने KRK कुत्ता सॉन्ग लॉन्च किया है। इस पर KRK ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने अब मीका को चेतावनी दी है कि वो भी वीडियो लेकर आएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का दावा कर रहे हैं। भाजपा ने यह ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर आज से अनलॉक हो गया है। देश के सभी धर्म स्थल, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आज से खुलेंगे। हालांकि खबरों के मुताबिक सरकार ने शिक्षा संस्थानों पर पाबंदी लगा रखी है। देश भर में विरोध के बीच तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। आज पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बदलाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल 96.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.98 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।